अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो एनाटॉमी का लेक्चर है बेटा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो मीडियास्टिनम है, थॉरिक्स की। आप लोग की आई होप के सबकी जो है वो सब स्टेज अच्छी हुई होगी, और अब हम सेकंड सब स्टेज का जो कोर्स है वो स्टार्ट आप लोग का। कल डॉक्टर नबीला ने किया था, आज आपका सेकंड लेक्चर मेरे साथ है, तो उसको हम जो है अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरा टॉपिक वो मीडियास्टिनम है, ठीक है। मीडियास्टिनम आपको थोड़ी इसके बारे में नो हाउ होगी कि मीडियास्टिनम क्या है। मीडियास्टिनम एक इमेजिनरी स्पेस है, ठीक है। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन वो हम देख लेते हैं, आपकी जो है वो डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे उसकी स्क्रीन पे शेयर हो रही है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। द मीडियास्टिनम इज अ मूवेबल पार्टीशन दैट एक्सटेंड सुपीरियरली टू द थोरेसिक आउटलेट एंड द रूट ऑफ द नेक एंड इनफीरियर टू द डायफ्राम। ये एक स्पेस है, ठीक है, जो उसकी एक्सटेंशन बताई कि सुपीरियरली वो थोरेसिक आउटलेट तक है और रूट ऑफ द नेक, और इनफीरियरली कहाँ तक है, डायफ्राम तक है। और हम लोगों ने डायफ्राम भी आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा था और काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। अच्छा, इट एक्सटेंड इंटीरियरली टू द स्टर्नम एंड पोस्टीरियरली टू द वर्टिबल कॉलम। अब इसकी एक्सटेंट बताई जा रही है मीडियास्टिनम की, ठीक है। मीडियास्टिनम की मैंने आपको एक्सटेंशंस बताई हैं, ठीक है। एक तो वो उसका सुपीरियरली है थोरेसिक आउटलेट एंड टू द रूट ऑफ द नेक, और इनफीरियरली डायफ्राम तक है, और इंटीरियरली उसकी एक्सटेंशन स्टर्नम एंड पोस्टीरियरली टू द वर्टिबल कॉलम, ठीक है। अब इसके अंदर इसके जो कंटेंट्स हैं वो उसमें आपको जो है मैं बता दूं, उसमें थायमस है, हार्ट है, लार्ज ब्लड वेसल्स हैं, ट्रेकिया, इसोफेगस, थोरेसिक डक्ट, लिम्फ नोड, वेगस, फ्रेनिक नर्व्स एंड द सिंपथेटिक ट्रंक, ठीक है। आई रिपीट, मीडियास्टिनम इज अ मूवेबल पार्टीशन दैट एक्सटेंड सुपीरियरली टू द थोरेसिक आउटलेट एंड द रूट ऑफ द नेक एंड इनफीरियरली टू द डायफ्राम। इट एक्सटेंड इंटीरियरली टू द स्टर्नम एंड पोस्टीरियरली टू द वर्टिबल कॉलम। It contains the remains of the thymus, the heart, and the large blood vessels. Large blood vessels mein large veins or large arteries dono hain. Blood vessel jahan bhi aata hai. अगर स्पेसिफिकली अगर आपको आर्टरी कहा जा रहा है तो आपने आर्टरीज को बताना है, अगर वेन्स कहा जा रहा होता है तो आपने वेन्स को बताना होता है, मगर जहाँ ब्लड वेसल्स की बात हो तो आपने दोनों को जो है वो कंसीडर करना होता है और उसके दोनों के बारे में बताना होता है। ट्रेकिया हो गया, सॉफेगस हो गया, थ्रेसिक डक्ट हो गया, लिम्फ नोड्स हो गए, ठीक है, उसके रेलिवेंट लिम्फ नोड हो गए, वेगस एंड फ्रेनिक नर्व्स हो गए, सिंपथेटिक ट्रंक हो गया, ठीक है। ये मीडियास्टिनम है। अब ये जो आपको मैंने यहाँ आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है जो पिक्चर है, ठीक है, अब ये सारी की सारी जो है ना एक मीडियास्टिनम का जो है वो ओवरव्यू है। उसके बाद उसकी डिवीजन है कि सुपीरियर मीडियास्टिनम कैसे बनेगा, इनफीरियर बनेगा, इनफीरियर की फर्दर सब डिवीजन कैसे होगी, ठीक है। अब आप इस पिक्चर को जो ना फोकस में रखें, ठीक है, इसी को अब मैं मूव नहीं करूँगी, तो काइंडली कोई कमेंट्स में ना लिखे कि मैडम स्लाइड मूव नहीं हो रही, ठीक है। जो लेट ज्वाइन करते हैं या सोए जागे उठे होते हैं उनको बाद में ख्याल आता है कि जी पिक्चर ये स्लाइड मूव नहीं हो रही, हालांकि अगर आप लेक्चर को गौर से सुने तो आपको एक एक के बाद एक जो बात हो रही होती है ना उससे रेलिवेंट होती है, ठीक है। सिर्फ स्लाइड का हिलना जुलना ही मैटर नहीं करता, जो मैं बोल रही होती हूँ वो ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। और मैं काफ़ी दफ़ा रिपीट करती हूँ ताकि आप लोग को कोई डिफ़िकल्टी हो तो वो आप जो है उसको क्लियर आउट कर लें, ठीक है। अब ये पिक्चर जो है वो मैंने इसलिए यहाँ पर अब स्टॉप कर दी है, इसको मैं मूव नहीं करूँगी, ठीक है, 5-10 मिनट ये मूव नहीं होगी। तो अब ये जो है कमेंट्स में प्लीज़ मत लिखिएगा कि जी पिक्चर नहीं मूव हो रही, स्लाइड मूव नहीं हो रही, ओके। अच्छा जी, अब आपने इसको गौर करके जो पहले मीडियास्टिनम को समझ लें कि मीडियास्टिनम है क्या। मीडियास्टिनम इज द मीडियन सेप्टम ऑफ द थॉरिक्स बिटवीन द टू लंग्स, यानी कि टू लंग्स के दरमियान एक जगह को कहते हैं मीडियास्टिनम, ठीक है। इट इंक्लूड द मीडियास्टिनल प्लूरा भी इसके अंदर शामिल है। अच्छा जी, उसके बाद जो है मीडियास्टिनम की जर्नल जो हम एक बाउंड्रीज को पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जो सब डिविजन्स है ना उसको हम उसकी बाउंड्रीज को अलग-अलग पढ़ेंगे। मीडियास्टिनम की आपको मैंने डेफिनेशन बता दी, उसके बाद मीडियास्टिनम की जो बाउंड्रीज हैं उसमें इंटीरियरली आपको नजर आ रहा है स्टर्नम है। अब मैंने स्टर्नम के सारे पार्ट्स को नहीं डिस्क्राइब करना, मैंने सिर्फ कहा है स्टर्नम, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ मीडियास्टिनम को आपको बता रही हूँ, ठीक है। इंटीरियरली आपको स्टर्नम नजर आ रहा है, पीछे आपको 12 थोरेसिक वर्टिब्रीज नजर आ रही है, सुपीरियरली थोरेसिक इनलेट है,
ठीक है, और इनफीली आपको ये डायफ्राम जो ब्लैक आउटलाइन नजर आ रही है, ठीक है, उसके अलावा जो साइड पर है वो मिडियास्टिनल प्लूरा है। एज आई टोल्ड यू कि मिडियास्टिनम एक मीडियन सेप्टम ऑफ द थॉरिक्स है और टू लंग्स के दरमियान है, ठीक है। तो टू लंग्स के दरमियान की स्पेस है ना, तो उसके साथ साथ आपको पता है साइड्स पे मिडियास्टिनल प्लूरा जो लंग्स की कवरिंग को कहते हैं, ठीक है। और अभी आपको मैंने बाउंड्रीज मिडियास्टिनम की बता दी, ठीक है। अब हम डिवीजन ऑफ द मिडियास्टिनम पढ़ेंगे कि हम मिडियास्टिनम को कैसे डिवाइड कर रहे हैं। मिडियास्टिनम इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग बाय इमेजिनरी लाइन पासिंग फ्रॉम द स्टर्नल एंगल इंटीरियरली टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ द T4 फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्री के लोअर बॉर्डर पे ना एक हमारे पास इमेजिनरी लाइन है जो कि पास कर रही है स्टर्नल एंगल से, ठीक है, इंटीरियरली टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ द फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्री पोस्टीरियर तक, ठीक है। अब ये एक डिवीजन होगी मिडियास्टिनम की इंटू सुपीरियर मिडियास्टिनम और इंफीरियर मिडियास्टिनम, ठीक है ना। इंफीरियर मिडियास्टिनम में फिर जो है आपको ये मिडिल मिडियास्टिनम जो कि पिंक कलर का एक जो है वो बल्जी सी चीज नजर आ रही है, ठीक है। ये सारा का सारा जो ना ये मिडिल मिडियास्टिनम है, इससे आगे जो है वो इंटीरियर मिडियास्टिनम है, और ये जो पिंक है गुब्बारे जैसा बलून लाइक, इसके पीछे सारा का सारा पोस्टीरियर मिडियास्टिनम है, और ये जो पिंक आपको नजर आ रहा है ना बलून लाइक, ये है मिडिल मिडियास्टिनम, ठीक है। एक्चुअली ये आपने ये इस तरह नहीं लिखना कि ये कोई जो है वो बलून फीचर है या इस तरह, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है, मैं बता रही हूँ कि ये जो पिंक वाला एरिया है जो बल्जीस है उससे आगे इंटीरियर है, पिंक वाले को मिडल कहेंगे, ठीक है, और इसके पीछे वाला पोस्टीरियर है। अब हमने मिडियास्टिनम की डिवीजन बताई कि मिडियास्टिनम की डिवीजन हमने कैसे की, एक इमेजिनरी प्लेन है जो कि स्टर्नल एंगल से पास कर रहा है इंटीरियरली, और कहाँ तक जा रहे हैं, जो फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्री की बॉडी के लोअर लेवल तक वो पोस्टीरियरली एक्सटेंड कर रहा है। तो इस तरह हमारा जो मिडियास्टिनम है वो डिवाइड हो रहा है इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर मिडियास्टिनम। अब सुपीरियर मिडियास्टिनम की बाउंड्रीज, उसके कंटेंट्स, उसके रिलेशन, वो सारा मैं अभी आपको ठहर के पढ़ाऊंगी, मगर ओवरव्यू जो मैंने आपको देना था मिडियास्टिनम का, उसको हम पहले क्लियर कर लें। आपको एक रियल पिक्चर बता दूं कि मिडियास्टिनम एक्चुअल में है क्या। बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है, और ये आपको बैठे बैठे याद हो जाना चाहिए। जितनी दफा मैं रिपीट करती हूँ मुझे नहीं लगता इसमें कोई डेफिशिएंट चीज़ रह जाती है कि आपको दोबारा से जाके बुक में देखनी पड़े। तो अभी आप फोकस होके समझ लें, सुन लें, ठीक है, उसके बाद एक दफा रीडिंग दें और आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ अंडरस्टैंडिंग हो गई हो। अब हम सुपीरियर मीडियास्टिनम से रिलेटेड उसकी बाउंड्रीज देख लेते हैं। सुपीरियर मीडियास्टिनम की जो बाउंड्रीज है इंटीरियरली आपको नजर आ रहा है मेनिब्रम स्टर्ना है। ये जो आपको एक पोर्शन बोन का नजर आ रहा है ये मेनिब्रम स्टर्ना है, ठीक है। मेनिब्रम स्टर्ना और बॉडी ऑफ स्टर्नम जहां पर आपस में कनेक्टेड होते हैं उसको हम कहते हैं स्टर्नल एंगल या एंगल ऑफ लुइस, ठीक है। एंगल ऑफ लुइस से हम सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस तक अप्रोच करते हैं, वहां से हम हार्ट की जो है वो एक्चुअल में उसके बॉर्डर्स को लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे हार्ट पढ़ेंगे उसे भी आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वो आप डॉक्टर नबीला के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब चूंकि मैंने आपको बताया है कि स्टर्नल एंगल कैसे बन रहा है, ये मेनिब्रम स्टर्ना है, यानी कि स्टर्नम के हमारे पास तीन जो है वो बोन्स हैं जो कि आपस में कनेक्ट होती हैं, एक मेनिब्रम स्टर्ना है, देन बॉडी ऑफ स्टर्नम, देन ज़िफॉइड प्रोसेस, ये छोटी सी जो चोंच आपको नजर आ रही है, ठीक है। जहाँ मेनिब्रम स्टर्ना है एंड बॉडी ऑफ स्टर्नम आपस में कनेक्टेड होते हैं उसको हम कहते हैं स्टर्नल एंगल या एंगल ऑफ लुइस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये जो मेनिब्रम स्टर्ना है के ऊपर जो है वो सुप्रास्टर्नल नॉच कहते हैं या जगलर नॉच कहते हैं उसको, ठीक है। और ये कुछ लैंडमार्क्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको इसी स्टेज पे जो है ना इनको क्लियर कर लेना चाहिए। अच्छा जी, अब हम सुपीरियर मीडियास्टिनम की बाउंड्रीज को जो है एक दफा देख लेते हैं। इंटीरियरली आपको नजर आ रहे हैं मेनिब्रम स्टर्नाए हैं, पोस्टीरियरली अपर फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रीज है, ठीक है ना, अपर फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रीज है, और आपको पता है कि इमेजिनरी जो लाइन है फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्री की बॉडी के बिलो ये पास की थी, तो इसने इसको डिवाइड किया था सुपीरियर एंड इंफीरियर मीडियास्टिनम में, ठीक है। सुपीरियरली आपको पता है थोरेसिक इनलेट है, इनफीरियरली इमेजिनरी प्लेन पासिंग थ्रू स्टर्नल एंगल इन फ्रंट एंड लोअर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्री बिहाइंड, ठीक है, ईच साइड पे मीडियास्टिनल प्लूरा है, ओके। अब इसकी बाउंड्रीज को मैं एक दफा आप तो देख रहे हैं, सामने आपके पिक्चर है, आगे क्या पड़ा हुआ है,
मेनवरम स्टर्ना है, पीछे आपको थोरेसिक वर्टिब्रीज नजर आ रही है, सुपीरियर थोरेसिक इनलेट है, इन्फीरियरली ये जो एक लाइन पास कर रही है जिसने इस चीज को डिवाइड किया है, ठीक है, वो इमेजिनरी लाइन स्टर्नल एंगल से पास करके फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्री जो है वहां तक है, ये इसकी इन्फीरियर हो गया रिलेशन में। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास साइड्स पे, आपको पता है मीडियास्टिनल प्लूरा है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था ईच साइड पे। अब सुपीरियर मीडियास्टिनम के कंटेंट्स क्या हैं, सुपीरियर मीडियास्टिनम के जो कंटेंट्स उसमें थायमस है, लार्ज वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, लार्ज वेन्स में कौन कौन सी हो सकती हैं, सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा, आर्टरीज में आपको पता है असेंडिंग थोरेसिक एओर्टा है, आर्च ऑफ एओर्टा है, फिर देन डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा हो गया, ठीक है, और उसके रिस्पेक्टिव फिर हम चीज़ों में पढ़ेंगे कि जो डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा है वो आपके पुस्टीरियर मीडियास्टिनम में आ रहा है, ठीक है, उसको हम फिर पुस्टीरियर मीडियास्टिनम के साथ उसकी डिटेल पढ़ेंगे। फिर आ जाता है हमारे पास इसमें ट्रेकिया भी आ जाता है, इसका कंटेंट इसोफेगस है, थोरेसिक डक्ट है, सिंपथेटिक ट्रंक है, ठीक है ना। चूंकि आज हमने सुपीरियर मीडियास्टिनम करना है तो आई होप आपको यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग हो गई हो, सही है। उसके बाद जो है मैं आपको एक मीडियास्टिनम की डेफिनेशन, ठीक है, उसके बाद मीडियास्टिनम की बाउंड्रीज, फिर उसके बाद मैंने उसकी डिविजन्स बताई, डिविजन में आपके सुपीरियर मीडियास्टिनम की बाउंड्रीज, उसके कंटेंट्स, फिर हम जो इन्फीरियर मीडियास्टिनम है, ठीक है, उसकी जनरल बाउंड्रीज में आपको पता है, आगे आपको पता है देख लें ये बॉडी ऑफ स्टर्नम में ज़िफर्ट प्रोसेस है, पीछे आपकी T5 से लेके T12 थोरेसिक वर्टिब्रीज तक है, सही है ना, और साइड पे मीडियास्टिनल जो है प्लूरा है, सही है। मगर अब हम इसको इन्फीरियरली जो है ना इस तरह की उसकी क्या कहते हैं बाउंड्रीज नहीं, हम इंडिविजुअल बेसिस पे इसकी बाउंड्रीज करेंगे। जैसे एक तो हम लोगों ने मीडियास्टिनम की जनरल बाउंड्रीज बताई आपको कि एंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है, सुपीरियर क्या है, इन्फीरियर क्या है, साइड्स पे क्या है, ये हो गया। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि एक इमेजिनरी लाइन है जो इसको इस मीडियास्टिनल स्पेस को डिवाइड कर रही है सुपीरियर में और इन्फीरियर में। सुपीरियर की बाउंड्रीज मैंने आपको बता दी इन डिटेल, उसके कंटेंट्स बता दिए। अब चूंकि हमारे पास इन्फीरियर मीडियास्टिनम है, उसको मैंने आपको कैटेगोरिकली बताया कि उसमें इंटीरियर मीडियास्टिनम है जो कि आपको ये पिंक बल्जी एरिया से पहले नजर आ रहा है, ठीक है, इसकी बाउंड्रीज हम अलहदा करेंगे, मिडल की अलहदा करेंगे और पोस्टीरियर की अलहदा करेंगे और इसके रिस्पेक्टिव कंटेंट्स को अलहदा अलहदा जो है ना वो स्टडी करेंगे, ठीक है। अब इंटीरियर मीडियास्टिनम की मैं बाउंड्रीज बता दूं आपको, इंटीरियरली आपको बॉडी ऑफ स्टर्नम नजर आ रही है, ठीक है, उसके बाद पोस्टीरियरली आप देखें आपको ये पिंक सा जो है वो पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम हार्ट की कवरिंग को कहते हैं, ठीक है। सुपीरियरली आपको इमेजिनरी प्लेन है सेपरेटिंग द सुपीरियर मीडियास्टिनम फ्रॉम द इन्फीरियर मीडियास्टिनम, ये इमेजिनरी जो प्लेन है उसने आपके सुपीरियर को इन्फीरियर से डिवाइड कर दिया, ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आ जाते हैं इन्फीरियरली सुपीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम जो कि आपको इस पिक्चर में बहुत क्लियर कट नजर आ रही है, इसीलिए मैंने इस फिगर को, इस पिक्चर को यहाँ से ड्रॉप नहीं किया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, ठीक है। ये अगर आप मेमोराइज कर लें ना अपने दिमाग में, ये रख लें कि ये पिक्चर से ही हमारा पूरा मीडियास्टिनम कवर हो जाएगा, ठीक है, तो बहुत अच्छा है आपके लिए, अच्छा जी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये कंटेंट जो इंटीरियर मीडियास्टिनम में स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट है जो कि हार्ट को कनेक्ट करता है, उसके हार्ट की जो पेरिकार्डियम को स्टर्नम के साथ, फिर थायमस का लोएस्ट पार्ट है, फिर इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है, ठीक है, फिर मिडिल मीडियास्टिनम को हम जो है वो ऑक्यूपाइड बाय पेरिकार्डियम एंड इट्स कंटेंट अलॉन्ग विद फ्रेनिक नर्व एंड पेरिकार्डियो फ्रेनिक वेसल्स। अब ये मिडिल मीडियास्टिनम में क्या है, पेरिकार्डियम है, हार्ट है, उसके साथ फ्रेनिक नर्व है, पेरिकार्डियो फ्रेनिक वेसल्स है, ठीक है, मिडिल मीडियास्टिनम को इन सारी चीजों ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। इसके अंदर कंटेंट्स में वही मैंने बताया, हार्ट आ गया, असेंडिंग एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक आ गया, सही है, सुपीरियर वेना कैवा आ गया, एज़ाइगस वेन, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स है और फ्रेनिक नर्व है। बेटा ये तो आपको एज इट इज रट्टा लगाना पड़ेगा कि ये वाली चीजें हैं, मगर इसको अच्छा तरीका होता है याद करने का कि आप बार बार एटलस को देखें, बार बार एटलस को देखें, ठीक है, तो वो आपकी पिक्चर जो है ना वो आपको कहीं ना कहीं आपके ब्रेन के किसी बॉक्स में वो सेफ हो जाती है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास पोस्टीरियर मीडियास्टिनम, उसकी बाउंड्रीज में आपको इंटीरियरली पता चल रहा है कि पेरिकार्डियम में पोस्टीरियरली लोअर एट थोरेसिक वर्टिब्रीज नजर आ रही है आपको, ईच साइड पे मीडियास्टिनल प्लूरा हो गया, उसमें कंटेंट्स में क्या है, इसोफेगस, थोरेसिक डक्ट, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, एज़ाइगस, हेमिज़ाइगस, एसेसरी हेमिज़ाइगस वेन एंड वेगस नर्व, ठीक है। यहाँ तक बाउंड्रीज में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे अभी क्वेश्चनिंग कर लें।
जी, यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। और इसके बाद जो है ये जर्नल जो आपका है कंटेंट, इसको हम आगे जो है ना मूव ऑन करते हैं, ठीक है। मिडिल मीडियास्टिनम में बेटा देखें, देखिए सुपीरियर मीडियास्टिनम जो है ना और मिडिल मीडियास्टिनम। अच्छा मैं जो है ना इसको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ आपके लिए, और उसके बाद हम आगे जो है ना इसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है। जी अच्छा जी, सबसे पहले आप इस बात को जो है ना वो अंडरस्टैंड कर लें कि मीडियास्टिनम एक इमेजिनरी एक स्पेस है टू लंग्स के दरमियान। मीडियास्टिनम इज द मीडियन सेप्टम ऑफ द थॉरिक्स बिटवीन द टू लंग्स। इसके अंदर मीडियास्टिनल प्लूरा इंक्लूड है, ठीक है। अब ये मीडियास्टिनम की जो बाउंड्रीज है ना इन जर्नल, ठीक है, आगे आप देख लें नजर आ रहा है आपको स्टर्नम है, पीछे आपकी 12th थोरेसिक वर्टीब्रीज है, सुपीरियर थोरेसिक इनलेट है, नीचे डायफ्राम है, ठीक है, और साइड्स पे ना मीडियास्टिनल प्लूरा है, ठीक है। अब इसकी जो डिवीजन है मीडियास्टिनम की वो इस तरह है कि हमने एक इमेजिनरी लाइन एक इमेजिनरी प्लेन को पास करना है, ठीक है। इमेजिनरी लाइन पासिंग फ्रॉम स्टर्नल एंगल इंटीरियरली टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ द T4, यानी एक प्लेन है जो स्टर्नल एंगल से जा रहा है लोअर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ 4th थोरेसिक वर्टीब्री के इंफीरियरली, ठीक है। इस तरह आपका जो है वो मीडियास्टिनम डिवाइड हो जाता है इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर, ठीक हो गया। अब इन जर्नल मैंने आपको मीडियास्टिनम की सबसे पहले बाउंड्रीज बताई हैं, अब हमने सुपीरियर की बात की। सुपीरियर की जो है इंटीरियरली पड़ा हुआ है आपके पास मेनिब्रम स्टर्न है, पीछे आपके 4th थोरेसिक वर्टीब्रीज है, ऊपर अगर आप देखें तो आपके पास थोरेसिक इनलेट है, नीचे आप देखें तो इमेजिनरी प्लेन जो पास कर रहा है स्टर्नल एंगल से 4th थोरेसिक वर्टीब्री तक, और ऑन ईच साइड मीडियास्टिनल प्लूरा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंफीरियर मीडियास्टिनम में डिवीजन आ जाता सब डिवीजन है, ठीक है, इंटीरियर मिडल एंड पोस्टीरियर। इंटीरियर मीडियास्टिनम जो है उसमें आगे बॉडी ऑफ स्टर्नम है, ठीक है, पोस्टीरियरली पेरिकार्डियम है, सही है। सुपीरियरली आपको पता है कि इमेजिनरी प्लेन है और इंफीरियरली डायफ्राम है, और ईच साइड मीडियास्टिनल प्लूरा है, ठीक है। अब हम मिडिल मीडियास्टिनम को देख लेते हैं। मिडिल मीडियास्टिनम में पेरिकार्डियम और उसके कंटेंट्स हैं, ठीक है, पेरिकार्डियम एंड इट्स कंटेंट ऑक्यूपाई, यानी कि मिडिल मीडियास्टिनम ऑक्यूपाई हो रही है, ठीक है, ऑक्यूपाइड बाय पेरिकार्डियम एंड इट्स कंटेंट अलॉन्ग विद फ्रेनिक नर्व एंड पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेसल्स। इसमें हार्ट है, असेंडिंग आयोटा है, पल्मनरी ट्रंक है, सुपीरियर वेना कैवा है, एसाइगस है, वेन राइट एंड लेफ्ट पल्मनरी वेन्स एंड फ्रेनिक नर्व है, ठीक है। पोस्टीरियरली आप देखें, इंटीरियरली आपको पेरिकार्डियम नजर आ रही है, पीछे आपको 8th थोरेसिक वर्टीब्रीज, लोअर 8th थोरेसिक वर्टीब्रीज है, यानी कि T5 से लेकर T12 तक, ठीक है, और ई साइड पे आपको पता है कि मीडियास्टिनल प्लूरा है, और ऊपर देखें तो इमेजिनरी प्लेन है, और नीचे आप इनफीरियरली देखें तो आपको डायफ्राम मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक आई एम श्योर कि यहाँ तक अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये तो एक इन जर्नल मैंने आपको बताया था, अभी तो स्लाइड सबकी जो है रिटन में वो आगे आएंगी, ठीक है। शेयर हो रहा है स्टॉप हो गया। आगे शिफ्ट से अच्छा जी, अब हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। जी बेटा ऑलमोस्ट जैसे अगर आपको लिखना आ जाता है मिडिल मीडियास्टिनम, एंटीरियर मीडियास्टिनम,
ठीक है, कोई सा भी मीडियास्टिनल मोड, चाहे वो सुपीरियर हो, इंफीरियर का जो सब डिविजन है, चाहे उसमें इंटीरियर, मिडल या पोस्टीरियर, उसके कंटेंट जो बेटा पहले इतने ज्यादा नहीं है, आपको मेन मेन तो पता होना चाहिए उसका, आप कोई नमोनिक बना लें, ठीक है। और नमोनिक बनाने में तो वैसे ही आप लोग बहुत तेज हैं और सारे बच्चे होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग खुद खुद अपने टाइम पे नमोनिक बना के ही याद करते होते थे कि कोई जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें से भी आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें मिस ना हों, क्योंकि इसके बहुत सॉलिड मार्क्स होते हैं। तो कोशिश करें कि एक दो अगर भूल जाता है तो कोई बात नहीं, मगर नमोनिक बनाने से काफ़ी आसानी हो जाएगी आपको। चलें आगे मूव करते हैं हम, ठीक है जी। अब आप इस पिक्चर को देख लें कि ये आपको नजर आ रहा है, इसमें ट्रेकिया है जो बाइफकेट हो रहा है, जहां बाइफिकेशन होता है उसको करीना कहते हैं, ठीक है, इनटू प्रिंसिपल ब्रोंकस में। दो प्रिंसिपल ब्रोंकाई है, ठीक है। ये आपका ट्रेकिया है, ट्रेकिया किसकी कंटिन्यूशन होती है, लेरिंग्स की, और क्रिकॉइड कार्टिलेज से स्टार्ट हो जाता है आपका ट्रेकिया, फिर वो जो है ना वो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो जाता है इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस में या ब्रोंकाई में, ठीक है। और उसके बाद उसकी फर्दर राइट साइड पे जो है वो डिटेल है, लेफ्ट साइड की अलग डिटेल है। राइट साइड में जो है ना वो हाइलम में एंटर होने से पहले वो जो है वो सुपीरियर जो है देगा अपनी डिवीजन, उसके बाद जो है वो हाइलम एंटर होने के बाद मिडल एंड इंफीरियर देगा, और ये जो आपका लेफ्ट साइड का ब्रोंकस है वो हाइलम में एंटर होने के बाद अपनी डिविजन्स देगा, ठीक है। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि आर्च ऑफ एओर्टा इसके ऊपर है, ब्रोंकस के ऊपर, ठीक है, जहाँ इसकी डिविजन हो रही है। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि पीछे साइड पे आपको नजर आ रहा है इसोफेगस, जो कि एक मस्कुलर ट्यूब है, और आपका फूड जो है वो यहाँ से प्रोपेल होके स्टमक तक जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको नजर आ रहा है, आई होप और तो कुछ नहीं है, यहाँ पर लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व नजर आ रही है, उसके अलावा आपको थोरेसिक डक्ट पीछे नजर आ रही है, ठीक है ना। और आप देख रहे हैं आर्च ऑफ एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा में जब आपका हार्ट से रिलेटेड टॉपिक जब आप पढ़ेंगे उसमें आपको जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, वहां से आपका अराइज होता है एओर्टा, ठीक है। एओर्टा असेंडिंग थोरेसिक एओर्टा है, फिर आर्च ऑफ एओर्टा, फिर डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा बनता है। तो जो आर्च ऑफ एओर्टा है, ठीक है, वहां से जो आपकी मेन तीन आर्टरीज अराइज होती हैं, जो कि मेजर आर्टरीज हैं, वो आपको यहाँ नजर आ रही हैं। हालांकि ये कंटेंट का पार्ट नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि ये वाली आप शुरू में ही अपनी जो क्या कहते हैं उसको, एक डिफरेंस होता है, आपको चीजें फिर याद नहीं रहती हैं, तो वो इसको क्लियर कर लें कि ये जो आर्च ऑफ एओर्टा है आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होगा, ठीक है। पहले असेंडिंग थोरेसिक एओर्टा बनेगा, फिर आर्च बनेगी, फिर डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा होगा, मगर मैं अभी आपको सिर्फ आर्च से रिलेटेड बता रही हूँ कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है सबसे पहले ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ठीक है, ये ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, उसके बाद लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, फिर लेफ्ट सबक्लेवियन, ठीक है। ये तीन मेजर वेसल्स जो है ना आर्च से अराइज होती हैं। जो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है, ठीक है, इसने जाके स्प्लिट हो जाना होता है टू में, विच इज राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड राइट सबक्लेवियन आर्टरी। चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर, आपको लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियन तो नजर आ रही है, मगर राइट कॉमन कैरोटिड एंड राइट सबक्लेवियन दोनों की दोनों नजर नहीं आ रही। तो वो कहाँ से अराइज होंगी, वो आपकी ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक या ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से अराइज होंगी, ठीक है। तो जो आपकी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ये तो आपकी नेक में चली जाएगी, उसके बाद ये जाके ब्रेन को और नेक को और वो सारे फीचर्स और फेस को सप्लाई करेगी, वॉट एवर, उसको हमने यहाँ डिस्कस नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास राइट सबक्लेवियन आर्टरी, आपकी पता है कि उसके बाद जिस तरह आपने अपर लिम्ब पढ़ा, तो सबक्लेवियन आर्टरी से आपकी कौन सी बनेगी, एक्सिलरी आर्टरी, देन सो एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज को पहले याद कर लें कि आर्च ऑफ एओर्टा से तीन आर्टरीज बेसिक अराइज होती हैं, जिसमें ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है जो कि फर्दर सब डिवाइड हो जाएगी इनटू राइट सबक्लेवियन आर्टरी जो कि आपकी अपर लिम में चली जाएगी, और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो आपकी नेक में चली जाएगी। इसी तरह जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड है, जो आपको पहले ही मैंने बता दी, जैसे कि राइट नेक में जाएगी, इसी तरह लेफ्ट भी आपकी कॉमन कैरोटिड नेक में चली जाएगी, ठीक है। वहां जाके फिर वो सप्लाई करेगी, और इंटरनल और एक्सटर्नल जो है वो आपकी डिविजन हो जाएगी। कॉमन लेफ्ट कॉमन कैरोटिड या राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी अपना एक स्पेसिफिक कोर्स के बाद इंटरनल एक्सटर्नल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है।
जो इंटरनल वो ब्रेन में चल जाएगी, और एक्सटर्नल जो है बाकी आपके फेस और उन चीज़ों को सप्लाई करेगी। और जो लेफ्ट एंड राइट सबक्लेविन आर्टरीज हैं वो आपके रिस्पेक्टिव अपर लिम में जाके सप्लाई करेंगी। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब यहाँ पर और कोई ऐसी बात नहीं है जो कि मैंने आपको रह गई। अब मैंने आपको ये बताया था कि ये जो आपका ट्रेकिया है ना, ये लैरिंग्स की कंटिन्यूटी है, फिर उसके बाद ये बाइफिकेट हो जाएगा ना। ठीक है, बायोफिकेशन को हम कहते हैं करीना, ये नीचे भी लिखा हुआ है CARINA, करीना। ठीक है, उसके बाद ये ब्रोंकाई में स्प्लिट हो जाएगा, ब्रोंकाई या ब्रोंकस। ठीक है, राइट ब्रोंकस जो है वो वाइडर होता है, स्मॉलर होता है और वर्टिकल होता है, एज कंपेयर टू द लेफ्ट वो नैरो होता है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल पोजिशन पे होता है। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, ये डिवीजन ऑफ मीडियास्टिनम, जैसे कि मैंने आपको पहले ही पिक्चर को लगा के इसकी सारी डिटेलिंग बता दी है कि मीडियास्टिनम क्या है। ठीक है, अब इसको यहाँ से भी हम रीड आउट कर लेते हैं कि कोई पॉइंट हमारा मिस ना हुआ हो, एंड आई एम श्योर कि कोई मिस नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने आपको कोशिश की है कि सारी चीज़ें जो है ना उस पिक्चर के रेफरेंस ही सारी क्लियर कर दूँ। ठीक है, फिर भी लेट्स रीड इट आउट। द मीडियास्टिनम इज डिवाइडेड इनटू सुपीरियर एंड इन्फीरियर मीडियास्टिनम बाय एन इमेजिनरी प्लेन पासिंग फ्रॉम द स्टर्नल एंगल इंटीरियरली। अच्छा, अब कोई क्वेश्चंस हैं आपके मैम? बेटा देखिए, सुपीरियर बहुत ज्यादा है तो मैंने आपको बताया ना उमर, इसका नमोनिक बना लें। ठीक है, अभी तो देखिए एनाटॉमी में बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं, बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, तो आपको चीज़ें एनाटॉमी में भूलती चली जाती हैं। तो अगर आप नमोनिक बना लेंगे और रिपीटेडली उसको बार 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 रिवाइज करेंगे तो आपको वो नमोनिक याद रह जाएगा, और नमोनिक से ही आपको जो है वो आपको कंटेंट याद हो जाएंगे। बेटा इस ये इनफ नहीं है। ठीक है हसी, बेटा आप जो आप ना उसमें से भी देख लें, क्या कहते हैं, स्नेल में से। ठीक है, क्योंकि मेरे डैश ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। बेटा मुझे बीडी का नहीं पता, ठीक है, आपको बीडी से समझ आता है आप देख लें। ठीक है, मगर जो आपकी रेलेवेंट टेक्स्ट बुक है वो आपकी एक केल है, मैं दूसरी आपकी स्नेल है। ठीक है, बीडी इज ऑल्सो अ गुड बुक, मगर मुझे, मैंने चूंकि खुद बीडी से नहीं पढ़ा हुआ तो इसलिए मैं उसको उसका रेफरेंस या उसको कोट नहीं कर सकती। तो सारी बुक्स ही ठीक होती है, मगर जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो आपकी जेन्युइन बुक होती है, उसी से रिलेटेड आपके यूएचएस में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप देख लें आपने कहाँ से स्टडी करना है। हालांकि मेरी जो स्लाइड्स हैं वो भी काफ़ी डिटेल्ड होती हैं, तो ये फिर आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, अब आगे इसको जो ना करते हैं फिर जी। द मीडियास्टिनम इज डिवाइडेड इनटू सुपीरियर इन्फीरियर मीडियास्टिनम बाय एन इमेजिनरी प्लेन पासिंग फ्रॉम द स्टर्नल एंगल इंटीरियरली टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ द फोर्थ थोरैसिक वर्टिब्री पोस्टीरियरली। ये मैंने आपको सब बता दिया। द इन्फीरियर मीडियास्टिनम इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द मिडिल मीडियास्टिनम व्हिच कंसिस्ट ऑफ द पेरिकार्डियम एंड हार्ट। ठीक है, इंटीरियर मीडियास्टिनम व्हिच इज अ स्पेस बिटवीन द पेरिकार्डियम एंड द स्टर्नम। ठीक हो गया, एंड द पोस्टीरियर मीडियास्टिनम व्हिच लाई बिटवीन द पेरिकार्डियम एंड द वर्टिब्रल कॉलम। आई होप यहाँ तक आपको कोई मुश्किल नहीं हुई होगी, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल से आपको सारी की सारी मीडियास्टिनम, सब डिविजन ऑफ मीडियास्टिनम, उसके कंटेंट्स, उसकी बाउंड्री सब बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है, चूंकि हमारा सुपीरियर मीडियास्टिनम है, अब इसकी जो है ना कंटेंट्स के ऑर्डर को जो है ना वो आपने हैपहैज़र्ड याद रखना है, आपकी मर्जी, आप नमोनिक बना के याद रखते हैं आपकी मर्जी, या किसी बच्चे को वैसे ही याद हो जाता है जिनका बहुत पक्का रट्टा होता है, ये इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, अरेंज्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर। सुपीरियर मीडियास्टिनम में सबसे पहले थायमस है, फिर लार्ज वेन्स है, लार्ज आर्टरीज हैं, ट्रेकिया है, एसोफेगस है, एंड थोरेसिक डक्ट एंड सिंपैथेटिक ट्रंक। ठीक है, बेशक आप इसको कैसे याद करना चाह रहे हैं, या इट्स ऑल अप टू यू। मेरे तो मैंने तो इस तरह याद रखा था, एस टॉल एस, उसके बाद टी के ऊपर मैंने जो है वो थ्री डाला था ऑन ओ एल। ठीक है, एस टॉल, तो टी जो है वो थ्री टाइम्स है।
ठीक है ना, जिसमें थायमस, ट्रेकिया, थोरेसिक डक्ट है, बाकी आप देख लें आपने कैसे नमोनिक बनाना है। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया आपके कंटेंट्स। फिर बाउंड्रीज ऑफ सुपीरियर मीडियास्टिनम, उसके मैंने कंटेंट्स आपको बता दिए। सुपीरियर मीडियास्टिनम इज बाउंडेड इन फ्रंट बाय द मेनिब्रम स्टर्नाई एंड बिहाइंड बाय द फर्स्ट फोर थोरेसिक वर्टिब्री, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर आ जाता है हमारे पास इन्फीरियर मीडियास्टिनम। इन्फीरियर मीडियास्टिनम में बच्चों आपको पता है उसके कंटेंट्स रेलिवेंट जो आपकी सब डिविजन ऑफ द मीडियास्टिनम है उसके हिसाब से, जैसे थायमस है वो आपके इंटीरियर में होगा, ठीक है। फिर आ जाता है हार्ट विद इन द पेरिकार्डियम विद द फ्रेनिक नर्व ऑन ईच साइड, ये आपके मिडिल में आ गया। फिर इसोफेगस, थोरेसिक डक्ट, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा एंड सिंपैथेटिक ट्रंक, ये सारे का सारा आपका, ठीक है। उसके बाद बाउंड्रीज ऑफ इंफीरियर मीडियास्टिनम। इंफीरियर मीडियास्टिनम इज बाउंडेड इन फ्रंट बाय द बॉडी ऑफ द स्टर्नम एंड बिहाइंड बाय द लोअर एट थोरेसिक वर्टिब्रीज, ये भी बेटा मैंने आपको उस पिक्चर को दिखाकर सबसे पहले आपको पढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ तक अगर ना कुछ समझ आया हो या कोई बाउंड्रीज में मसला हो या दोबारा से कोई पिक्चर शेयर करनी है आपके साथ तो बता दें, क्योंकि इसके बाद मैं अप्लाइड एनाटॉमी पे जाऊंगी, उसके बाद मैंने कंटेंट्स पे जाना है, ठीक है। अच्छा, आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा, आगे हम मूव ऑन करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको शो कर देती हूँ सुपीरियर मीडियास्टिनम के कंटेंट्स। जी, ये बेटा सुपीरियर मीडियास्टिनम के कंटेंट्स हैं, जिसमें थायमस है, लार्ज वेन्स है, लार्ज आर्टरीज हैं, एंड ट्रेकिया है, इसोफेगस, थोरेसिक डक्ट एंड द सिंपैथेटिक ट्रंक, ठीक है। थैंक यू बेटा, आगे मूव करते हैं अब, ठीक है जी। Applied anatomy, deflection of mediastinum. इसमें क्या है कि in the cadaver, the mediastinum as a result of the hardening effect of the preserving fluid. जब भी cadavers के लिए सबसे पहले embalming करनी होती है, ठीक है, अब वो जो preserving fluids डाला जाता है उसकी वजह से ये hardening हो जाती है और ये inflexible हो जाता है, fixed structures हो जाते हैं, ठीक है। मगर जो लिविंग है, जानदार, जो इंसान जिंदा है, उसमें ये एक वेरी जो है ना मोबाइल है, ठीक है, जिसमें आपको पता है लंग्स, हार्ट, लार्ज आर्टरीज आर इन रिदमिक पल्सेशन एंड द इसोफेगस डिस्टेंट एज ईच बोलस ऑफ फूड पास थ्रू इट, ठीक है। इसमें ऐसी कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, ठीक है। अब कैडेवर्स में आपको बता दें कि मीडियास्टिनम एज अ रिजल्ट ऑफ द हार्डनिंग इफेक्ट ऑफ द प्रिजर्विंग फ्लूइड, प्रिजर्विंग फ्लूइड के हार्डनिंग इफेक्ट की वजह से वो इनफ्लेक्सीबल फिक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। मगर जो लिविंग जो है लोग, इन द लिविंग इट इज वेरी मोबाइल, दस द लंग, आपको पता है कि बहुत लिविंग लोग में ये मोबाइल है, क्योंकि वही लंग्स, हार्ट और ये बेसिक आपके जो स्ट्रक्चर्स है ना एसेंशियल्स, उससे रिलेटेड कि जो लिविंग है उनमें ये मोबाइल है। लंग, हार्ट एंड लार्ज आर्टरीज आर इन रिदमिक पल्सेशन, ठीक है, एंड द एसोफेगस डिस्टेंड एज ईच बोलस ऑफ फूड पास थ्रू इट, ठीक है, उसने डिस्टेंड करना है। इफ अब द नेक्स्ट इज इफ एयर एंटर्स द प्लूरल कैविटी, ठीक है। अब प्लूरल कैविटी क्या है, ये आप सबको पता होगी, आपने अभी अभी लंग्स की सबस्टेज दे दिए, ठीक है। जब आपके प्लूरल कैविटी के अंदर एंटर हो जाएगी एयर, उस कंडीशन को आपको पता है कि नीमोथोरिक्स कहते हैं। नीमो मींस एयर एंड प्लूरल कैविटी में जब आपकी एयर एंटर हो जाएगी तो उस कंडीशन को हम कहते हैं नीमोथोरिक्स, ठीक है। द लंग्स ऑन दैट साइड इमीडिएटली कोलैप्स एंड द मीडियास्टिनम इज डिस्प्लेस्ड टू द ऑपोजिट साइड, ठीक है। अब जब एयर वहां पर एंटर हो गई है, आपको पता है एक विसल प्लूरा, एक पैराइटल प्लूरा, उसके दरमियान प्लूरल कैविटी, वहां पर जब आपकी एयर ट्रैप हो जाएगी तो उस कंडीशन को हम कहते हैं नीमोथोरिक्स, ठीक है। अब जो उस साइड का लंग है इमीडिएटली वो कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है ना, और मीडियास्टिनम वहां से डिस्प्लेस हो जाएगा ऑपोजिट साइड पे, ठीक है। दिस कंडीशन रिवील इटसेल्फ बाय द पेशेंट बीइंग ब्रेथलेस एंड इन स्टेट ऑफ शॉक, इसमें फिर पेशेंट्स एक तो ब्रेथलेस हो जाएगा, ठीक है, और शॉक में चला जाएगा। जब आप एग्जामिन करेंगे, ठीक है, द ट्रेकिया एंड द हार्ट आर फाउंड टू बी डिस्प्लेस टू द ऑपोजिट साइड, ठीक है, तो ट्रेकिया और हार्ट जो है ना वो नॉर्मल साइड पे नहीं होंगे, मतलब कि जहां पर कोलैप्स नहीं हुआ तो वो उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इसका मतलब ये है,
ठीक है, ट्रेकिया एंड हार्ट आर फाउंड टू बी डिसप्लेस्ड, ठीक है ना, टू द ऑपोजिट साइड, क्योंकि एयर की एंट्री की वजह से लंग कोलैप्स कर गया है, वहां एयर ने अपनी जगह बना ली है और मीडियास्टिनम जो है ना वो शिफ्ट हो गया है दूसरी साइड पे। आगे मूव करते हैं मीडियास्टिनाइटिस, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मीडियास्टिनम। द स्ट्रक्चर दैट मेकअप द मीडियास्टिनम आर एम्बेडेड इन लूज कनेक्टिव टिश्यू दैट इज कंटिन्यूस विद दैट ऑफ द रूट ऑफ द नेक, ठीक है। Thus, it is possible for deep infection of neck to spread readily into the thorax. अब neck का कोई भी infection होगा क्योंकि सारे continuity में एक दूसरे के साथ वही loose connective tissue, ठीक है, वो structure जो mediastinum को बना रहे हैं, makeup कर रहे हैं, वो सारे के सारे उसके दरमियान loose connective tissue है, ठीक है। अब कोई सा भी infection होगा neck का, वो spread कर जाएगा आपके thorax में। अच्छा जी, और इन्फ्लेमेशन ऑफ द मीडियास्टिनम करेगा, मीडियास्टिनाइटिस जिसको हम कहते हैं। पेनिट्रेटिंग वुंड्स ऑफ द चेस्ट इन्वॉल्विंग द एसोफेगस, ठीक है, कोई पेनिट्रेटिंग वुंड है चेस्ट का जिसने एसोफेगस तक जो है ना पेनिट्रेशन उसकी हो चुकी है, वो भी इन्फ्लेमेशन ऑफ द मीडियास्टिनम करेगा जिसको मीडियास्टिनाइटिस कहते हैं, ठीक है। इन इसोफेजियल परफोरेशन एयर एस्केप इन टू द कनेक्टिव टिश्यू, अगर इसोफेगस परफोरेट हो गया है ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है, कोई अल्सर की वजह से, कोई और वजूहत हैं, ठीक है, तो वहां से एयर एस्केप हो जाएगी, कनेक्टिव टिश्यू में आएगी, ठीक है, एंड असेंड बीनीथ द फेशिया टू द रूट ऑफ द नेक, ठीक है, और उसके बाद वो असेंड करती करती उस फेशिया में चली जाएगी जो कि रूट ऑफ नेक तक एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है, और साथ में सबक्यूटेनस इम्फाइसीमा हो जाती है जिसमें क्रैकलिंग साउंड्स आ जाते हैं, ठीक है, स्किन के फौरन नीचे इम्फाइसीमा हो जाएगा जिसमें क्रैकलिंग साउंड्स आ जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है एयर अंडर द स्किन। आगे चलते हैं मीडियास्टिनल ट्यूमर्स और सिस्ट। अच्छा जी, बिकॉज मैनी वाइटल स्ट्रक्चर आर क्राउडेड टूगेदर विद इन द मीडियास्टिनम, आपको पता है वाइटल स्ट्रक्चर जो है वो आपके मीडियास्टिनम में है, सारे वाइटल स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिए, ठीक है, जिसमें लंग्स हैं, हार्ट हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे, ट्रेकिया है, इसोफेगस है, सिंपथेटिक ट्रंक है, नर्व हैं, ये सारे के सारे आपके वाइटल स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। द फंक्शन कैन बी इंटरफेयर्ड विद बाय एन इनलार्जिंग ट्यूमर ऑर्गन, इन सब का फंक्शन को कोई इंटरफेयर कर सकता है, कोई ट्यूमर इनलार्ज हो रहा है किसी ऑर्गन में, उस ट्यूमर की इनलार्जमेंट हो रही है, ठीक है, कोई सिस्ट है, वो सारे के सारे इन वाइटल फंक्शंस को या वाइटल ऑर्गन के फंक्शन को डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। अ ट्यूमर ऑफ द लेफ्ट लंग कैन रैपिडली स्प्रेड टू इन्वॉल्व द मीडियास्टिनल लिम्फ नोड, ठीक है, अगर लेफ्ट लंग का ट्यूमर है वो बहुत रैपिडली स्प्रेड करेगा, ठीक है, और इन्वॉल्व करेगा मीडियास्टिनल लिम्फ नोड को, विच ऑन इनलार्जमेंट में कंप्रेस द लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, ठीक है, उसके बाद उसकी कंप्रेशन हो जाएगी उसके इनलार्जमेंट की वजह से लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, और फिर पैरालिसिस हो जाएगा लेफ्ट वोकल फोल्ड्स को, ठीक है। अच्छा, एन एक्सपैंडिंग सिस्ट और ट्यूमर कैन पार्शली ऑक्लूड द सुपीरियर वेना कैवा, अब कोई सिस्ट है जो एक्सपैंड कर रही है, कोई ट्यूमर है उसने सुपीरियर वेना कैवा को जो ना फुली या पार्शली ऑक्लूड किया है, ठीक है, इनिशियल में तो पार्शली ही ऑक्लूजन होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कम्प्लीट ऑक्लूजन हो जाती है, ठीक है, उसके साइन सिम्टम्स फर्क होते हैं। अच्छा जी, अब कोई अब अगर पार्शली ऑक्लूड होगी ये सुपीरियर वेना कैवा, तो आपको पता है कि सिवियर जो है वो कंजेशन हो जाएगी वेन्स की अपर पार्ट ऑफ द बॉडी के, ठीक है ना। अदर प्रेशर इफेक्ट कैन बी सीन ऑन द सिंपैथेटिक ट्रंक, उसके अलावा एक तो ये वाली बेसिक चीजों को तो जहां जहां उसके रेलिवेंट ट्यूमर्स हैं उनको तो वो प्रॉब्लम करेगा, मगर उसके इर्द गिर्द और जो चीजें हैं उनके लिए भी वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, वो इनलार्जिंग ट्यूमर, कोई सिस्ट है, ठीक है ना, उस ऑर्गन की जो है ना वो कोई ऑर्गन जो है ना उसके अंदर कोई ट्यूमर है वो इनलार्ज कर रहा है, ठीक है। अब और किस किस ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करेगा अपने साथ, सिंपैथेटिक ट्रंक भी आपको पता है उधर ही है, फ्रेनिक नर्व, समटाइम ट्रेकिया, ब्रोंकाई और इसोफेगस को, ठीक है जी। आगे मूव करते हैं,
अब ये जैसे ब्रोंकोस्कोपी है, मीडियास्टिनोस्कोपी, इसमें विजुलाइज करना है कि अंदर जो है वो क्या प्रॉब्लम है, क्या डायग्नोस्टिक हमने प्रोसीजर करना है ताकि रूल आउट कर सकें कि अंदर उस प्रॉब्लम को जो है हम बाद में रूल आउट करने के बाद फिक्स कर सकें, अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, अच्छा जी, मीडियास्टिनोस्कोपी इज अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। मीडियास्टिनोस्कोपी एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसमें हम स्पेसिमेन लेते हैं ट्रेकोब्रेंकल लिम्फ नोड से, ठीक है, प्लूरल कैविटी को ओपन करने के बगैर। ठीक है, अ स्मॉल इंसिजन इज मेड इन द मिड लाइन इन द नेक जस्ट अबव द सुप्रास्टर्नल नोड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेनिब्रम स्टर्नस से जो आपका ये एक डिप्रेशन फील होता है आपको फ्रंट पे, इसको सुप्रास्टर्नल नोड कहते हैं। वहां पर एक स्मॉल से इंसिजन देते हैं, ठीक है, नेक के मिड लाइन पे। अच्छा, अच्छा जी, हम जो है सुप्रास्टर्नल नॉच के ऊपर मिड लाइन में नेक पे इंसिजन देंगे एंड द सुपीरियर मीडियास्टिनम। एंड द सुपीरियर मीडियास्टिनम इज एक्सप्लोर डाउन टू द रीजन ऑफ द बाइफिकेशन ऑफ द ट्रेकिया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रेकिया की जहाँ बाइफिकेशन है उसको करीना कहते हैं, ठीक है। अब ये मीडियास्टिनोस्कोपी एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसमें आपने डायग्नोसिस बनाना होता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों कंप्रेशन हो रहा है, क्यों जो है वो ऐसे साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे पेशेंट ब्रेथलेस है, ठीक है, अनईजी है, कोई इन्फेक्शन का एलिमेंट है, ठीक है, उसको हमने रूल आउट करने को, या आपको एक्सरे पे ऐसे कोई चीज़ें रूल आउट हो रही हैं, ठीक है, थीके? तो एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो आपको मिला है तो उस पे सर्जन ने मीडियास्टिनोस्कोपी की है, ठीक है। ये एक जो है जैसे कैमरा ओरिएंटेड तरीका होता है जिसमें आपने जाके वहाँ से बायोप्सी लेनी है, ठीक है। मीडियास्टिनोस्कोपी इज अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर वे बाय स्पेसिमेंस ऑफ ट्रेक्यो ब्रिंकल लिम्फ नोड आर ऑब्टेन, ठीक है। ट्रेक्यो ब्रोंकियल लिम्फ नोड, आपको पता है कि जहाँ पे ट्रेकिया और ब्रोंकस, यानी कि आपका ट्रेकिया बाइफर्केट कर रहा है इंटू प्रिंसिपल ब्रोंकाई में, ठीक है, वहां से आपने स्पेसिमेन, वहां जो लिम्फ नोड है वहां से आपने उसको मतलब ट्रेस करना है, ठीक है, ताकि फर्दर डायग्नोसिस बन सके। और प्लूरल कैविटीज को ओपन किए बगैर, यानी कि वो तो आपको जो है इंसिजन देना पड़ेगा चेस्ट पे। तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि सिर्फ ये आपको डायग्नोसिस में हेल्प आउट करेगा, ठीक है, विदाउट ओपनिंग ऑफ द प्लूरल कैविटीज। अ स्मॉल इंसिजन इज मेड इन द मिड लाइन इन द नेक जस्ट अबव द सुप्रास्टर्नल नॉच पे। आपने मिड लाइन में, ठीक है, सुप्रास्टर्नल नॉच से ऊपर आपने एक मिड लाइन में इंसिजन दिया, ठीक है, एंड द सुपीरियर मीडियास्टिनम इज एक्सप्लोर डाउन टू द रीजन ऑफ द बाइफिकेशन ऑफ द ट्रेकिया। वहां तक आप अप्रोच कर गए, ठीक है, जहां पर बाइफिकेशन ऑफ द ट्रेकिया थी। द प्रोसीजर कैन बी यूज टू डिटरमिन द डायग्नोसिस एंड डिग्री ऑफ स्प्रेड ऑफ कार्सिनोमा ऑफ द ब्रोंकस। ये प्रोसीजर आपने डिटरमिन करना है और डायग्नोसिस बनाना है कि कहाँ तक और किस डिग्री तक कार्सिनोमा की स्प्रेड हो गई है ब्रोंकस की, ठीक है ना। ये कमेंट्स शो नहीं हो रहा है, कमेंट्स शो नहीं हो रहे, पहले कमेंट्स शो हो रहे थे, पहले हो रहे थे, अब नहीं हो रहे, वो फिर कुछ बच्चे पूछते हैं ना तो ये देखिए फोन निकाल लें, नहीं आ रही है, तो मैं कहती हूँ स्क्रीन शो होना बंद हो जाएगी। पहले सब आ रहा था, कमेंट शेयर हो रहे थे, शो हो रहे थे, अब एकदम से कमेंट शो होना बंद हो गए क्योंकि वो इंटरेक्टिव रहते हैं ना बच्चों के साथ, यहाँ नहीं हो रहा शो, मैसेजेस शो नहीं हो रहे, मैसेजेस शो नहीं हो रहे, यहाँ पर अब कुछ हो रही है। थैंक यू।
आयशा आप क्या कह रही हैं? मैम किसी ने नहीं किया दोबारा कोई कमेंट? बेटा आप कर सकते हैं, मैंने आपको जो है आई डोंट अंडरस्टैंड, आप समझ नहीं आई मुझे, क्लियर कर दो इस बात को, ठीक है फिर मैं आगे प्रोसीड करूँ। अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आगे जो है इसकी आपको कंटेंट्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन बतानी है, ठीक है, चलें आगे करते हैं इसको। हमारे पास 10 मिनट्स हैं और इसको हमने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम इसको कंप्लीट कर लें। बेटा यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ ना आ रहा हो तो अभी पूछ ले, ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड कर लूँ। ओके विल कंटिन्यू। ओके बेटा मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी आगे हम इसको जो है वो, अब यहाँ तक तो हमने अप्लाइड बता दिया आपको, ठीक है। अप्लाइड में मेन मेन जो है ना, आपको ये वाली अप्लाइड इसकी पता होनी चाहिए, ठीक है, ये वाली पता होनी चाहिए, ट्यूमर्स पता होने चाहिए, और ये मतलब लिखने को तो नहीं आएगा मगर समहाउ आपको मे बी उसमें पूछ लिया जाए मीडियास्नोस्कोपी के क्यों करते हैं, और कोई इसका एमसीक्यू रिलेटेड, अदरवाइज ये आपके लेवल का नहीं है। अच्छा उसके बाद जो है ना हम इसके कंटेंट्स की तरफ आ जाते हैं। सुप्रीम मीडियासम में मैंने आपको बताया था कि आप इसकी जो है निमोनिक बना के याद कर लें, क्योंकि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और इसी से रेलिवेंट सारी चीज़ें उसमें आ जाता है। ट्रेकिया, ट्रेकिया इज अ मोबाइल कार्टिलेजिनियस एंड मेम्ब्रेनस ट्यूब, ठीक है, इट बिगेन इन द नेक एट एज अ कंटिन्यूशन ऑफ द लैरिंग्स एज एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज, ठीक है, लैरिंग्स के जो है लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज पे आपका जो है ट्रेकिया की कंटिन्यूशन है, ठीक है, और ये कार्टिलेजिनियस एज वेल एज मेम्ब्रेनस ट्यूब है, ठीक है। किस लेवल पर? एट द लेवल ऑफ द सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्री का लेवल आपको पता ना चाहिए, सारा का सारा आपका एमसीक्यू रिलेटेड है। इट डिसेंड इन द मिड लाइन ऑफ द नेक, ठीक है, इन द थॉरिक्स द ट्रेकिया एंड्स बिलो एट द करीना बाय डिवाइडिंग टू राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई या मेन ब्रोंकाई, ठीक है, एट द लेवल ऑफ द स्टर्नल एंगल। आगे आपको पता है कि वो बता रहे हैं कि स्टर्नल एंगल का लेवल है, ठीक है, और दूसरा जो है ऑपोजिट जो है द डिस्क बिटवीन द फोर्थ एंड फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री, यानी कि आगे उन्होंने बता दिया कि स्टर्नल एंगल के लेवल हो गया, वहां पर ही आपका जो ट्रेकिया है वो बाइफिकेट कर रहा है इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में, और पीछे कौन सा लेवल है कि फोर्थ एंड फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री का जो डिस्क है ना इंटरवर्टिबल डिस्क, उसके दरमियान इसकी डिविजन है, दैट्स इट। और ये जो है सारा का सारा आपको पता है, ये जो लेवल्स होते हैं ये आपको एमसीक्यू रिलेटेड होते हैं, ठीक है, और ये बहुत इसकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है क्योंकि सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर चीज़ का लेवल पता होना चाहिए। अच्छा आफ्टर दैट एडल्ट में ट्रेकिया की जो मेजरमेंट है वो 11.25 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इसका जो डायमीटर है 2.5 सेंटीमीटर, ये भी आपको मैंने पहले बताया है कि ये वाली चीज़ें जो आपको इंचज में या सेंटीमीटर्स में, ठीक है, पता होनी चाहिए क्योंकि ये सारा का सारा एमसीक्यू रिलेटेड है। द पोस्टीरियर फ्री एंड्स ऑफ द कार्टिलेज आर कनेक्टेड बाय स्मूथ मसल। अब ट्रेकिया की जो पोस्टीरियर एजेस हैं, ठीक है ना, वो कनेक्ट हैं स्मूथ मसल के साथ जिसको हम ट्रेकियलिस मसल कहते हैं, ठीक है। द पोस्टीरियर फ्री एंड ऑफ द कार्टिलेज, कार्टिलेज की पोस्टीरियर फ्री एंड वो कनेक्टेड है स्मूथ मसल के साथ, ठीक है, उसको हम ट्रेकियलिस मसल कहते हैं। आगे चलते हैं रिलेशन ऑफ ट्रेकिया। देखिए अब एनाटॉमी में रिलेशन बहुत ज्यादा है, हर चीज के रिलेशन है, ठीक है, और आपका जो है इसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, चाहे वो रट्टा के साथ है, चाहे वो आप बार बार पिक्चर्स को देखें, यहाँ पर क्या कहते हैं ग्रुप स्टडी करके उस तरह याद करें, मगर रिलेशंस हर चीज़ के बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि इसी से हम जो है वो सर्जिकल अप्रोच करते हैं। फिर रिलेशन ऑफ ट्रेकिया में इंटीरियरली आपको पता है स्टर्नम है, ठीक है, थायमस है, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन है, एंड ओरिजिन ऑफ द ब्रेकियोसेफेलिक एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरीज एंड द आर्च ऑफ एओर्टा, ठीक है, पोस्टीरियरली एसोफेगस एंड द लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, राइट साइड पे जाइगस वेन, द राइट विगस नर्व एंड द प्लूरा, लेफ्ट साइड पे आर्च ऑफ एओर्टा, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट विगस एंड लेफ्ट रेनिक नर्व एंड द प्लूरा। ये एमसीक्यू रिलेटेड ही है, इसकी पिक्चर जो है, एक मिनट आपको दोबारा से पिक्चर शो कर दूं, स्टार्ट में आई थी, ये देख लें, ठीक है, इसके रिलेशन इंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है, राइट और लेफ्ट आपने याद ही करने, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं।
बेसिक आपको ट्रैक किया कि जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो उसकी जो है वो कैसे कंटिन्यूशन है, वो कैसे डिवीजन हो रही है, किस लेवल्स पे है, ठीक है, और क्या कहते हैं, स्टार्टिंग पे उसका लेवल क्या है, बाइफर्केशन पे कौन सा लेवल है, ठीक है, एडल्ट्स में उसकी मेजरमेंट क्या है, लेंथ वाइज क्या है और उसकी डायमीटर क्या है, ठीक है ना, आगे है उसके रिलेशंस बता रही है, आगे ट्रेकिया की स्टर्नम है, थायमस है, ठीक है, पीछे आपको पता है सॉफेगस है, जो कि बार बार मैंने वो पिक्चर आपको दिखाई है, लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है, ठीक है, आगे दोबारा से देख लेते हैं, ट्रेकिया के आगे स्टर्नम है, थाइमस है, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन है, ठीक है, द ओरिजिन ऑफ द ब्रेकियोसेफेलिक एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरीज है, ठीक है, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक, ठीक है, एंड द आर्च ऑफ एओर्टा है, ठीक है, पोस्टीरियरली इसोफेगस और लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है, ठीक है, इसके ऊपर जो है वो आप ही ने खुद ही ने जो है इसको याद करना है। अच्छा, आगे ब्लड सप्लाई जो ट्रेकिया की है इसको हम अपर टू थर्ड में और लोअर वन थर्ड में करेंगे। जो अपर टू थर्ड है ट्रेकिया का वो सप्लाई हो रहा है इन्फीरियर थायराइड आर्टरी से, और जो लोअर वन थर्ड है वो ब्रोंकियल आर्टरी से उसको सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ईजी है कि अगर आप ट्रेकिया को अपर टू थर्ड में डिवाइड करेंगे तो इस सप्लाइड बाय द इन्फीरियर थायराइड आर्टरीज, ठीक है, जो थायराइड को सप्लाई करेंगी एज वेल एज ट्रेकिया को सप्लाई करेंगी, ठीक है ना, और ट्रेकिया के इन फ्रंट पे थायराइड ग्लैंड राइट एंड लेफ्ट लोब में होता है और कनेक्ट होता है इसमस के थ्रू, और इनफीरियरली इज सप्लाइड बाय द, या लोअर वन थर्ड इज सप्लाइड बाय द ब्रोंकियल आर्टरीज। फिर लिम्फ ड्रेनेज ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया की लिम्फ ड्रेनेज जो है इज थ्रू प्री ट्रेकियल, पैरा ट्रेकियल और डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड के अंदर ये ड्रेन करेगा। बहुत आसान है, ठीक है ना, ट्रेकिया से रिलेटेड है तो प्री ट्रेकियल एंड पैरा ट्रेकियल हो गया, ठीक है, और साथ में डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड, क्योंकि सर्वाइकल एरिया तो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड हो गए, ठीक है। नर्व सप्लाई ट्रेकिया की जो है वो आ जाती है हमारे पास सेंसरी नर्व सप्लाई जो वेगस नर्व है, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है, सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई करें ट्रेकियलस मसल को, ठीक है। प्रिंसिपल ब्रोंकाई जो है वो मैंने आपको ये बात भी पहले बताई थी कि राइट और लेफ्ट में कैसे डिवाइड होगा, ठीक है, राइट की किस तरह की वो आगे पैरामीटर्स हैं उसके, ठीक है। तो जो आपका ट्रेकिया है वो बाइफर्केट कर जाता है फोर्थ एंड फिफ्थ, जो आपका सबसे स्टार्ट में मैंने आपको ये बताया था, ये देख लें यहाँ पर, फोर्थ एंड फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री पे, ठीक है, आगे स्टर्नल एंगल है, पीछे जो है ना फोर्थ एंड फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री की जो इंटरवर्टिबल डिस्क है ना उस पे, ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री की इंटरवर्टिबल डिस्क जो इसके सेंटर में पोस्टीरियरली ये और आगे जो है ना स्टर्नल एंगल, वहां पर आपका जो ट्रेकिया है वो बाइफिकेट करते हैं इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस में, जिसको हम करीना कहते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है जी। अब राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस, द राइट प्रिंसिपल मेन ब्रोंकस इज वाइडर, शॉर्टर एंड मोर वर्टिकल देन द लेफ्ट, ये भी मैंने आपको पहले बताया कि वो वाइडर है, छोटा है, ज्यादा वर्टिकल है लेफ्ट के मुकाबले में, जो भी फॉरेन बॉडी लॉज होगी वो इसी के अंदर होगी, ठीक है ना, एंड इज अबाउट 1 inch लाइक 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग बिफोर एंटरिंग द हाइलम ऑफ द राइट लंग। ये भी मैंने आपको पहले बताया कि राइट लंग के हाइलम में एंटर होने से पहले जो प्रिंसिपल ब्रोंकस है वो गिव ऑफ कर देता है सुपीरियर लोबार ब्रोंकस, ठीक है, और जब वो एंटर हो जाएगा ना, ऑन एंटरिंग द हाइलम ये डिवाइड हो जाएगा मिडल एंड इन्फीरियर लोबार ब्रोंकस में, ठीक है, आगे चलते हैं। लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस, द लेफ्ट प्रिंसिपल मेन ब्रोंकस इज नैरोअर, लॉन्गर एंड मोर हॉरिजॉन्टल, एक पतला होगा, ठीक है, लंबा होगा, ज्यादा जो ना हॉरिजॉन्टल वाली पोजीशन पे होगा एज कम्पेयर टू द राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस, और तकरीबन 2 inches है, वो 1 inch था, ये 2 है, ठीक है, वो 2.5 सेंटीमीटर था, ये 5 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, इट पास टू द लेफ्ट बिलो द आर्च ऑफ द एओर्टा, ठीक है, ये लेफ्ट तरफ पास करेगा और ये आर्च ऑफ एओर्टा के नीचे होगा एंड इन फ्रंट ऑफ द एसोफेगस के सामने होगा, ठीक है, ये रिलेशंस ही सारे। ऑन एंटरिंग द हाइलम ऑफ द लेफ्ट लंग, यानी कि वो हाइलम में एंटर होने से पहले एक वो सुपीरियर देता था और हाइलम में एंटर होने के बाद मिडल एंड इन्फीरियर लोबार ब्रोंकस देता था, मगर इसका ये थोड़ा सा ऑपोजिट है लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस का, ये जब हाइलम ऑफ द लेफ्ट लंग में एंटर होगा ना तो प्रिंसिपल ब्रोंकस फिर डिवाइड होगा सुपीरियर एंड इन्फीरियर लोबार ब्रोंकस में, ठीक है, ये आप देख लें, बिफोर एंटरिंग द हाइलम ऑफ द राइट लंग, ये राइट लंग की बात कर रही हूँ, हाइलम में एंटर होने से पहले राइट लंग, ठीक है ना, राइट लंग के हाइलम में एंटर होने से पहले तो जो प्रिंसिपल ब्रोंकस है एक वो सुपीरियर लोबार ब्रोंकस दे देगा,
ठीक है, उसके बाद हाइलम में एंटर होने के बाद ये डिवाइड होगा मिडल में एंड इंफीरियर में. अब यहाँ जो इसकी कहानी है उल्टी है, ये ऑन एंटरिंग द हाइलम ऑफ द लेफ्ट लंग जो प्रिंसिपल ब्रोंकस है वो डिवाइड हो जाएगा सुपीरियर और इन्फीरियर में. ठीक है, यहाँ आपका कोई कॉन्सेप्ट वो वाला नहीं है, इस वाला मिडल वाला नहीं है. यहाँ सुपीरियर मिडल इन्फीरियर था, लेफ्ट साइड पे आपका सुपीरियर इन्फीरियर है. ये आप पिक्चर देख लें. ठीक है, अब आपको राइट अपर आपका राइट साइड का आपको नजर आ रहा है. ठीक है, वो कितना वाइडर है. ठीक है, और लेफ्ट साइड का आपको नजर आ रहा है. अच्छा जी, आर्च ऑफ एओर्टा की भी मैंने आपको इसमें पोजीशन बताई है. ठीक है, आगे चलते हैं. अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ ट्रेकिया. बेटा इसको हम, अब हमारा लेक्चर ऑफ हो चुका है तो इंशाल्लाह जी अच्छा जी, अभी इसको नेक्स्ट इंशाल्लाह जो मेरा लेक्चर होगा उसमें कंटिन्यू करेंगे. अभी चूंकि टाइम आपका अप हो गया है तो अभी हम इसको जो है ना यहीं स्टॉप करते हैं. ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़.